दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सेना के अधिकारी कोरोना के लिए सोनू सूद से मांगी मदद। सरकार के पास अब भी थोड़ी शर्म बची हो तो डूब ना मरें, बल्कि किसी लायक को कुर्सी सौंप दें। अरे जब भाजपा के लोग ही कह रहे हैं नितिन गडकरी को ही बैठा दो, काफी कुछ व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं बैठा सकते, कोविड की पूरी व्यवस्था ही नितिन गडकरी को दे दो तो भी काफी कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिद, अहंकार, अड़ियल रवैया देख लीजिए आप लोग भी। दो देशों के विदेशी राजदूतों ने भारत में रहते हुए कांग्रेस नेताओं से ऑक्सीजन वगैरह की मदद मांगी। सरकार से कोई मदद नहीं मांगी क्योंकि नाउमीद थे वह सरकार से। तब भी सरकार को शर्म नहीं आई। अमेरिका ने केंद्र सरकार को सहायता देने के बजाय सीधे राज्यों को सहायता देकर मोदी का सम्मान किया या अपमान, या आप लोग तय करें। क्यों इतना अविश्वास है केंद्र की सरकार पर अमेरिका को कि अमेरिका ने सीधे कह दिया कि हम राज्यों को सहायता देंगे मगर केंद्र सरकार को सहायता नहीं देंगे। अब जैसलमेर राजस्थान में तैनात सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने सोनू सूद को पत्र लिखकर कोरोना सुविधाओं के उपकरणों की मदद मांगी है। वह भी बाकायदे पत्र लिखकर। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तो सरकार बेशर्मी से ही सही यह मान ले हालात उनके हाथों से निकल चुके हैं। लोग सरकार से उम्मीदें ही छोड़ चुके हैं। सरकार को लगता है किसानों को उनके खाते में 2,000 रुपए डालकर, केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में कुछ लाभ देकर लोगों में व्याप्त आक्रोश को कम कर लेंगे, मगर जिनके घरों में मौतें हुई हैं, जिन्हें इलाज नहीं मिला है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, विदेशी सहायता के बावजूद हालात हैं गंभीर, वह भूल पाएंगे इस मंजर को, इस दृश्य को? 2,000 रुपए में आप मरहम लगा लेंगे उनके जख्मों पर? वैक्सीन विदेशों को आपने दी, क्यों दी? आज देश में वैक्सीन नहीं है। आपको अनुमान नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इतना कहर बरपाएगी और आप विदेशों को ऑक्सीजन बेच रहे थे। फिर अपने ही देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोगों ने जानें गंवाई। यह आपकी व्यवस्था है या आपका नजरिया है? बाद में देश की जनता उसी ऑक्सीजन को लेकर मारी मारी फिरती रही। आखिर आप यह क्यों नहीं आत्मसात कर पा रहे हैं कि आपसे भूल हुई, आपसे चूक हुई, आप नहीं देख पाए व्यवस्था, और अब भी आपके हाथों में व्यवस्थाएं नहीं है सही ढंग से? अगर आपके हाथों में व्यवस्था सही ढंग से होती तो यह सेना के कमांडिंग ऑफिसर सोनू सूद जैसे फिल्म एक्टर से सहायता क्यों मांगते? वह सरकार से सहायता क्यों नहीं मांग रहे हैं? वह जान रहे हैं कि सरकार खुद सहायता कई देशों से मांग रही है।